सरकार तय करे कि 3 एकड़ पर्याप्त है या 4 एकड़ पर्याप्त है, तो वो जो उगाता है फसल, उस फसल को अगर अच्छी फसल होती है तो उसकी क्या कीमत होगी, उस कीमत पे वो इंश्योर करे सरकार, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, वो कहे कि साहब ये जो है 2 लाख की होगी ये फसल, अगर सूखा पड़ा, अगर बाढ़ आई तो उसको उतना मुआवजा दिया जाए जो उसकी फसल की कीमत होनी थी, इंश्योरेंस। और अगर उसकी फसल अच्छी होती है तो जो इंश्योरेंस का पैसा है वो किसान सरकार को देगा। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा तरीका है जो कि हो सकता है या इसके इस राह पे विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी नई समस्या नहीं है, हर साल होती है। आज तक हम 65 साल में कुछ नहीं कर पाए, हमारे पास इतना पानी है, नदियां कितना पानी वेस्ट जाते हैं हमारा, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पानी की कोई कमी नहीं है देश में। मेरा ख्याल है शायद वाजपेयी ने कहा कि जैसे हम हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एक दूसरी स्टेट को कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी नदियों को भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो हर जगह से घूम के जाए। नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल बनवाया था, पंजाब के आप नहरें देखिए, कॉन्क्रीट नहरें, मतलब यहां से लेके वहां तक इतनी चौड़ी नहर जो पूरे खेतों को, फिर उसके बाद वो छोटी छोटी नहरें बनती जाएंगी और सब खेतों को पानी मिलता है। तो ऐसा हर प्रांत में होना चाहिए बजाय इसके छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, वो छोटी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, कभी सड़क पे कचरा नहीं होना चाहिए, सही है, मैं मानता हूं ये बात, हम बड़े नालायक, पढ़े लिखे लोग, कोका कोला पिया चक्ट डॉ, अरे यार गाड़ी में रख लेना, गाड़ी में रहने दे और जो जगह सही जगह आएगी वहां फेंक देना। विदेश में हम देखते हैं जाते जाते लोग कुछ खा रहे हैं, अब हर जगह तो कचरे का डिब्बा नहीं है ना 10 फुट पे, लेकिन वो इंतजार करते हैं 50 फुट पे, 100 फुट पे, 200 फुट पे उनको कुछ मिलता है उसमें डालते हैं। तो ये भी जरूरी चीज है, लेकिन ऐसी ऐसी हमारी जो समस्याएं हैं जिसपे अब एक किसान अगर आत्महत्या करता है तो वो एक आदमी की आत्महत्या नहीं, जो उसके 10-10, 11-11 साल के बच्चे हैं वो भी आत्महत्या ही समझी जाते हैं। कौन पढ़ाएगा उनको, कौन खिलाएगा उनको, उसकी बूढ़ी माँ होगी, बूढ़ा बाप भी हो सकता है। तो इस तरह की फिल्में बनना जरूरी है, और हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की फिल्म को आप जो कुछ भी कर सके, जिसकी जितनी कुव्वत है, जो आप इसके बारे में लिख सके, जो आप इसके बारे में बोल सके, वो आपका योगदान होगा। जैसे इनका मैं मानता हूँ बहुत बड़ा योगदान है, इस तरह की फिल्म पे पैसा लगाना बहुत रिस्की है, तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है जो यहाँ आए हैं सज्जन पत्रकार, कि आप इस समस्या के बारे में, कि भाई इस समस्या से जुड़ी हुई और हमारा एक सामाजिक दायित्व है, हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम उन अपने भाइयों के बारे में सोचें जो हमारा पेट भरते हैं। मेरा बेटा इस शहर में पैदा हुआ, वो 15 साल का हो गया, मुझे सडनली ख्याल आया, मैंने कहा इससे तो गांव ही नहीं देखा, तो मैं दिल्ली से इसकी शूटिंग कर रहा था, वो आया वहाँ और हम गांव भी शूटिंग कर रहे थे, मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी, मैंने कहा बाहर उतरो, क्या हुआ, क्या उतरो तो सही है, उतरा तो मैंने उसको खेत में खड़ा कर दिया, मैंने कहा क्या है फार्म है
फील्ड है, सही कह रहे, और वो सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है गरीब लोग ही घर है। मैंने कहा गरीब जरूर है वो, लेकिन भिखारी नहीं, किसान है, ये किसानों के घर। फिर मैंने पूछा शहर तुम बॉम्बे में क्या खाते हो, हंसने लगा, क्या खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ। मैंने कहा सब्जियों में मसाले भी डलते हैं ना, हाँ वो भी डलते हैं। मैंने कहा ये सब तेरे बम्बई शहर में होता है, नहीं तो यहाँ होता है। जो गरीब लोग देख रहे हो ना, ये उगाते हैं, शहरों में कुछ नहीं उगता, इस्तेमाल होता है शहरों में, उगता यहाँ है, जो सीधा हमारे पेट में जाता है और हमें जीवन देता है, हमें अच्छी सेहत देता है। तो मैंने कहा ये बोलूंगी, हमें इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को रुकना पड़ा ये प्रोग्राम शुरू करने में, मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि असल में आजकल प्रोग्राम मतलब समय पे शुरू होता है। मैं माफी चाहता हूँ, जो भी इस फिल्म के बारे में कहना था तो ओम जी ने, हमारे जो ओम पुरी साहब हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत तरीके से कह दिया, जिसमें मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगा। केवल ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, और जब इन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि ओम जी ये रोल निभा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मैं अभी भी कहूँगा कि जैसे ओम जी ने कहा, इस किस्म की कहानियाँ, इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत कठिन होती हैं बॉक्स ऑफिस में, और आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग वेल विशर्स हैं, ये बात फैलाइए जैसे ओम जी ने कहा था। और हमें बहुत बहुत हम आपके मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब आए हैं यहाँ पर, और मेहरबानी करके इस प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और भविन को भी और आप साहब को भी जिन्होंने इतनी हिम्मत से इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे उनके पास फ्लैश है, सबके पास इसमें मेरा किरदार जो है, पहले तो आप सब दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम है दलीप ताहिल, और बहुत खुशी हुई है कि आपके सामने हूँ मैं। मेरा किरदार इसमें एक कैरेक्टर का है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यदि ये किसानों की ज़मीन पर फैक्ट्री नहीं बने, तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और इसमें पूरे मिले हुए हैं सरकार के साथ, और जैसे दिखा है मिनिस्टर्स के साथ, जो करप्शन का नेक्सस है उसमें इनका बहुत अहम भाग है, तो वो मेरा कैरेक्टर है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, नेगेटिव रोल्स जो है, जो ये कैरेक्टर होते हैं जो फैक्ट्रियाँ बनाते हैं और ये सब करते हैं, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, और उनका भी मतलब तरक्की के नाम पे और देश को बढ़ाने के नाम पे वो भी एक तरीके से ज़रूरी है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो किसानों की समस्या है, जो आत्महत्या हो रहे हैं, जो किसानों को, जो हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमने जो अपने किसानों को मतलब निग्लेक्ट किया है, मेरे ख्याल से इस फिल्म के ज़रिए ये जो मुद्दा है ये बहुत बहुत अहम है। और ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये किसानों की जो हालात है किसानों की, उस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए, और हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चलचित्र के साथ मैं जुड़ा हूँ, और मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और सबको दाद देता हूँ। एक तो मुझे मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं ओम पुरी साहब के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जब मुझे बताया गया कि ओम जी कर रहे हो, तो मैं कुछ भी रोल कर दूँगा, नेगेटिव रोल क्यों ना सही। तो क्या है कि मैं इनको दाद देता हूँ, प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को भी, कि इन ऐसा इस किस्म का जो सब्जेक्ट है, इसे बनाया है, इस पे पैसे खर्चे किए हैं, और इतने अच्छे कलाकार जैसे ओम जी हैं, उनको बुलाया यहाँ पर काम करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ, और मेरी इच्छा और मेरी उम्मीद है कि आप सब ये पिक्चर देखेंगे
और आप सब इसका सोच इसका इसके बारे में सोचेंगे भी कि किसानों के साथ इस देश में क्या क्या बीत रही है, क्या क्या उनकी समस्याएं क्या हैं, और हम सब मिलके उनकी मदद हमें सब मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट मराठवाड़ा जो है वो किसानों की जो आत्महत्या वो कर रहे हैं पूरे देश में, उनकी इस समस्या के बारे में जो कि बहुत सालों से चल रही है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पर बहुत गहरा चिंतन होने की आवश्यकता है। और इसमें मेरा किरदार है किसान का, जो जिसके बेटे ने आत्महत्या की है और वो भी आत्महत्या करने के कगार पे है, लेकिन उसके पहले वो लड़ता है, संघर्ष करता है, दरवाजे खटखटाता है, सरकार का दरवाज़ा भी खटखटाता है और चीफ मिनिस्टर के घर के आगे अपने ऊपर कैरोसिन डाल लेता है, फिर उसको पकड़ लिया जाता है। तो बहरहाल ये एक बेसिकली एक ऐसे पीड़ित किसान की भूमिका है जो हम सब का सताया हुआ, सरकार का सताया हुआ, ऊपर वाले का सताया हुआ, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और पेट हमारा वही भरता है। किसान हमारे जीवन का आधार है। आटा, दाल, चावल, सब्जी, फ्रूट, मसाले सब किसान उगाते हैं। और आज से 50 साल पहले हमारे देश में पर्याप्त अनाज नहीं था, पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं थी। हमें अमेरिका से एक बेचारे जो उनके पास था वो दिया उन्होंने हमें, लेकिन बड़े घटिया एक गेहूँ आती थी PL 480, वो भेजी जाती थी हमें हमारा पेट भरने के लिए। लेकिन आज जो है 50 साल में वो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा खाद्य सामग्री, हर चीज़, कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है वितरण प्रणाली की, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रदेश में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उगी तो आप दूसरे प्रदेश में भी उसमें कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा उगी वो आप, तो ये जो है ये राज्य सरकारों का और केंद्र का मिश्रण करके कोई तरीका निकालना चाहिए। मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ ना, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो लेकिन बहुत पंजाब में कितनी बार सुना है गेहूँ सड़ रही है, टमाटर सड़ रहा है, आलू सड़ गया, क्यों सड़े भाई? यहाँ बेचारे जो यू नो शहरों में मजदूर लोग वो इतनी महंगी सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्याज और आलू की सब्जी खाते हैं बस, कैसे खाएंगे? बॉम्बे में 80 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है, 80 रुपए। आज मैं तुरई खरीदने गया 120 रुपए किलो, बोला 120 रुपए किलो तुरई, अब आप सोचो वो किसान जिसने उगाई है उसको क्या मिला होगा? क्योंकि जब आप किसी छोटे कस्बे में जाओगे यही तुरई गोरखपुर में 18 रुपए किलो मिलेगी, तो अगर गोरखपुर भी जो कि बड़ा शहर है 18 रुपए किलो मिल रही है तो किसान को क्या मिला? अगर हमें 18 मिल रही है तो जिसने उससे खरीदी है उसने तो जाहिर है कम में खरीदी होगी, तो उससे तो 10-11 रुपए में खरीदी होगी, तो उसको कितना काम मिल रहा है? ये जो है ना ये नहीं होना चाहिए। ये है मेरा मतलब कहने का, वितरण प्रणाली जो है उसमें बहुत बड़ा सुधार की जरूरत है। और ये जो समस्या है इसको वॉर फुटिंग्स पे लेना चाहिए, वॉर फुटिंग्स मतलब अगर आज भगवान ना करे चाइना हम पे हमला कर, तो हम ये सोच दो अरे यार क्या इसका क्या, कुछ नहीं, आपके हाथ में डंडा है आप डंडा उठाओगे, बंदूक है बंदूक उठाओगे, चक्कू है चक्कू उठाओगे और चल दोगे। अरे भैया तुम चलो पहुंचो पहले सरहद पे, जूते हम भिजवाते हैं, ये होगा ना? तो ऐसे ही इन बेचारे किसानों के बारे में सोचो, वो धरती पुत्र है हमारे पुराणों में कहा, वो हमें, हम जीवित हैं उसकी वजह से,
बिना खाए हम कैसे जिएंगे बताइए।